नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं गोचर से जुड़ी हुई एक बहुत अहम और महत्वपूर्ण जानकारी। आगामी 23 सितंबर 2020 को राहु केतु का भ्रमण, जो कि सदैव वक्र गति में होता है, यानी ग्रह उल्टी चाल चलते हैं, और अब तक ये राहु और केतु जो आज वर्तमान की स्थिति में भी मिथुन राशि और धनु राशि को प्रभावित कर रहे हैं, वही 23 सितंबर 2020 के बाद ये ग्रह वृषभ राशि और वृश्चिक राशि को प्रभावित करेंगे। 18 वर्ष 6 माह के बाद इतना सुंदर एक राजयोग बन रहा है ब्रह्मांड के अंदर। मैं इसको राजयोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक राहु और केतु चल रहे थे अपनी स्वग्रही राशि में, और उसके बाद ये ग्रह अपनी उच्चस्थ अवस्था में आ जाएंगे। यानी जो ग्रह पहले अपने घर में था, अब घर से निकलकर उसको स्थान प्राप्त हुआ है उच्चस्थ। यानी आप घर से निकले और बाहर पहुंचते ही आपको वरमालाएं डाली गई, यानी आपका स्थान उच्च हो गया। यानी आप घर के अंदर अच्छा महसूस कर रहे थे और अब उच्चस्थ स्थिति में हो जाएंगे, तो इस ग्रह के बल में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो मेरा जो आज का विषय है वो इसी के ऊपर निर्भर है कि राहु केतु का ये परिवर्तन सभी राशियों के लिए कैसा होता है। साथ ही साथ मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि राहु केतु किस प्रकार से आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ जानकारी अवश्य इस ग्रह के बारे में होनी चाहिए, जिससे आप अपनी कुंडली अपनी राशि के बारे में जान सकें कि आखिर ये ग्रह करता क्या है, फल कैसे देता है। ये हमेशा उल्टी चाल चलने वाला ग्रह होता है जो वक्र गति से चलता है। वक्र गति का मतलब है पीछे चलना, ये कभी आगे नहीं चलते, ये सदैव वक्री चलते हैं। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव है। हमेशा ध्यान रखें, गोचर से संबंधित घटनाएं लगभग 80% तक चंद्रमा पर आधारित होती हैं। लोग ये पूछते हैं कि गोचर देखें कैसे, गोचर देखें चंद्रमा से, क्योंकि ये चंद्रमा से ही देखा जाता है। इसका अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, मैंने पहले भी कई वीडियो में इसके बारे में बताया है। आपकी जन्म की राशि क्या है, यानी कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है, उससे जान सकते हैं। साथ ही साथ आपके नाम के अक्षर के अनुसार आपकी राशि क्या है, आप उससे भी जान सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। उसके हिसाब से आप अनुसार यहां लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ये प्लेनेट आपको फल देने वाला है। अब राहु एक गोचर से संबंधित घटना है, कुंडली के अंदर ग्रह स्थिर बैठे हुए होते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में ग्रह चलते हैं, उनको बोलते हैं गोचर ट्रांजिट, यानी प्लेनेट चल रहा है। तो इसकी जो परिणाम है वो महज 20-30% ही होते हैं, यानी गोचर का जो मैक्सिमम रिजल्ट होता है वो 20-30% होता है। बाकी ये सब चीजें निर्भर करती हैं कुंडली में राहु कहाँ है, राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, राहु किसकी राशि में बैठा है, वर्ग कुंडलियों में राहु की पोजीशन क्या है। यहां से सिर्फ हम ट्रांजिट देख के कह सकते हैं कि भी अगर किसी व्यक्ति विशेष को राहु की दशा आने वाली है या राहु की दशा चल रही है, तो उसके लिए ये 20-30% गोचर का जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा होगा। कुंडली की रिजल्ट बिल्कुल अलग है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गोचर पर निर्भर है, क्योंकि गोचर संदेश वाहक का काम करता है कि आपके जीवन में घटना अच्छी और बुरी कब घटेगी, वो गोचर पर निर्भर करेगा। इसलिए गोचर बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं राहु से संबंधित कारक। कारक का मतलब है जब व्यक्ति के ऊपर राहु का प्रभाव हो, तो राहु से संबंधित प्रभाव उसके कारकों को ग्रहण करना व्यक्ति के अंदर होता है। जैसे किसी के ऊपर किसी भी ग्रह का प्रभाव है तो उसके लक्षण उस प्रकार के होते चले जाते हैं। जैसे राहु धूम्र है, छाया पिंड है, परछाई है। राहु की दशा में बहुत लोगों को क्या है, उनके अंदर कोई गलत आदत आ जाती है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, वैश्यवृत्ति है या अन्य कोई गलत काम, ऐसे देखे जाते हैं। राहु स्वभाव में अड़ियल है, जिद्दी है, अड़िक स्वभाव वाला है, किसी भी चीज पर ग्रहण लगाने वाला है। कुंडली में यदि कोई भी ग्रह है और उसके अधिक निकट वो पहुंच रहा है तो उस पर ग्रहण लगा रहा है। बुध के साथ हो रहा है तो आपकी बुद्धि पर ग्रहण, बृहस्पति के साथ हो रहा है तो आपके विवेक पर ग्रहण, चंद्रमा के साथ हो रहा है तो आपकी मानसिकता पर ग्रहण, यानी अलग अलग करके ये आपके ऊपर ग्रहण लगाने में सक्षम है।
साथ ही साथ राहु किस ग्रह की राशि में है और वो ग्रह कुंडली के अंदर किस प्रकार की स्थिति में बैठा हुआ है, उस पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। थोड़ा रूढ़िवादी है, समाज से कुछ हटकर चलता है, यानी कहता है ये सब बेकार की बात है। कभी कभी लोग कहते हैं संस्कार कुछ नहीं होते, भगवान कुछ नहीं होता, ऐसी बात भी ऐसे लोग करते हैं, यानी अपनी मनमानी करना, अपनी ही बात को आगे रखना, बिना तर्क बिना बात के बहस करना भी राहु में ही देखा गया है। थोड़ा सा खोजबीन करने प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, किसी भी बात को आसानी से नहीं मानता, यानी जिसके ऊपर राहु का प्रभाव हो वो व्यक्ति ऐसा होता है, विलासी प्रवृत्ति का भी होता है। अब बात करता हूं मैं राहु से जुड़े हुए व्यवसायों की, कि राहु से जुड़ा हुआ व्यवसाय क्या है, कि अगर राहु की दशा महादशा आपको आ रही है, राहु कहीं ना कहीं आपके लग्न को, कर्म क्षेत्र को, दशा को प्रभावित कर रहा है, तो ये राहु से संबंधित व्यवसाय व्यक्ति को दे सकते हैं फायदा। जैसे जो लोग शराब का काम कर रहे हैं, जुए का, सट्टे का, लॉटरी का, शेयर मार्केट का, मीडिया से जुड़ा हुआ काम, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम, साथ ही साथ जिसकी राशि में बैठता है उसके कारकत्व को ग्रहण कर लेता है। बृहस्पति की राशि में बैठेगा तो बृहस्पति के कारकों को ग्रहण कर लेगा, शुक्र की राशि में बैठेगा तो उसके कारकों को ग्रहण करके आपके ऊपर लाएगा, आप उस चीज से संबंधित व्यवसाय करेंगे तो आपको फायदा होगा। उसके अलावा मीडिया का क्षेत्र है, मॉडलिंग का क्षेत्र है, वायुसेना, वायु से संबंधित एयर होस्टेस हैं, हवाई जहाज से आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश जाके काम करना, गलत कार्यों से धन कमाना, मेडिसिन से रिलेटेड काम, जहर, विष, केमिकल, ये सब राहु के ही अधीन है। यानी ये राहु जो उच्चस्थ स्थिति में होने वाले हैं, ये उन सबको लाभ देंगे जो इन राहु से प्रभावित है, दशा से प्रभावित है, और इन कारकत्वों को ग्रहण करके वो आपको लाभ देने वाला है। तो ये तो था राहु के बारे में एक इंट्रोडक्शन आप लोगों के लिए, जिससे आप समझ पाए क्या है, क्योंकि मेरा आज का जो विषय है वो सिर्फ राहु के ऊपर है। राहु और केतु एक दूसरे के आमने सामने चलते हैं, लेकिन यहां मैं सिर्फ चर्चा करूंगा कि आपकी राशि से किन किन स्थानों पर राहु आ रहे हैं, उसका क्या फल होगा। केतु के लिए मैं डिफरेंट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि केतु क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक ही साथ दोनों के फल बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों के कारकत्व अलग अलग हैं, भिन्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई राहु कुंडली के, यानी कुंडली का मतलब यहां सीधा सीधा यही है, आप राशि से उसको देख रहे हैं, या आपकी राशि से वो ग्रह किन स्थानों में आ रहे हैं, उच्चस्थ होने के बावजूद भी वो आपको अच्छा फल देने वाले हैं या खराब फल देने वाले हैं, इसके क्या लाभ हानि है और आप इससे बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा यहां शुरू करने वाला हूं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले लेते हैं हम मेष राशि। मेष राशि मंगल की राशि है और मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी कहलाती है, मंगल की अग्नि तत्व राशि भी कहलाती है। आपकी राशि से दूसरे भाव में, यानी आपकी राशि से दूसरे स्थान में राहु का ट्रांजिट होगा, यानी राशि से दूसरे घर में राहु उच्चस्थ स्थिति में आ रहे हैं 1.5 वर्ष के लिए। अब दूसरा घर बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला है, दूसरा घर कहीं ना कहीं सबसे पहले आपकी वाणी या वे ऑफ टॉकिंग के लिए जाना जाता है। जब एक अशुभ ग्रह, स्वभाव से अशुभ ग्रह बैठा हुआ हो दूसरे घर में, तो आपको अपनी वाणी कर बहुत सोच समझ का इस्तेमाल करना होगा। जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसी वाणी नहीं बोलनी है जिससे दूसरे व्यक्ति विशेष पर इसका बुरा प्रभाव पड़े, वो किसी प्रकार से हर्ट हो जाए, उनको आपकी वाणी का दुख हो जाए, क्योंकि वाणी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। पहले वाणी है, उसके बाद ये धन है। अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है तभी तो आपको इसके उच्चस्थ के फल मिलेंगे, तभी तो ये ग्रह आपको दूसरे घर में बैठ के धन देगा। अगर आपकी वाणी ही खराब हो रही है तो आप सामने वाले से डीलिंग कैसे करेंगे, बात कैसे करेंगे। तो इसलिए ये राहु इन स्थितियों से बच के चलोगे तो आपका धन देगा, फायदा देगा। साथ ही साथ इसको कुटुंब का स्थान कहा गया। कुटुंब स्थान का मतलब है घर, परिवार, घर के लोग। अब वहां पर एक मैलेफिक प्लेनेट आ रहा है तो फिर से ध्यान रखिएगा, कहने को ये कोई प्रॉब्लम का विषय नहीं है, लेकिन फिर वही बात कि अगर बोलचाल ठीक नहीं रही, गंदी आदतें आपके अंदर आ गई, आप स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया, आपने अपने कार्य व्यवसाय स्थल पर खाना पीना शुरू कर दिया,
कुछ लोग खारे व्यवसाय स्थल पर रात के समय शाम के समय ड्रिंक कर लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। इसका आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपके घर वालों पर काफी प्रभाव पड़ने वाला है। इनसे बच के चलोगे तो कहीं ना कहीं ये प्लेनेट आपको अचानक से कुटुंब वृद्धि भी दे सकता है, यानी घर परिवार के अंदर कुछ अच्छे सूचना, किसी बच्चे का जन्म होना आदि भी दिखता है। साथ ही साथ ये राहु आपके लिए पूर्णतः धनदायक साबित होगा, क्योंकि राहु यहां वृषभ राशि में है, शुक्र की राशि में है, और शुक्र की वृषभ राशि धन के लिए बहुत अधिक जानी गई है, क्योंकि काल पुरुष में दूसरा घर धन है। तो वो धन आपको राहु देंगे, आपको फायदा भी देंगे। झगड़े झंझट से आपको बचना होगा, बिना बात के किसी बात पे ऊपर लोगों से आर्गुमेंट्स कर गए उससे आपको यहां नुकसान हो सकता है, तो आर्गुमेंट से आपको बचना है। शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये स्थिति आपकी प्रोफेशनल लाइफ को तो बढ़ाने वाली होगी, क्योंकि यहां से साफ तौर पे दिखता है एक ऐसा संबंध जो आपके व्यवसाय से और आपकी वाणी से बना हुआ है, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए स्थिति अच्छी है, वाणी से धन कमाने के लिए अच्छी है। आप कोई बात बोल देंगे, सामने वाला उससे इंप्रेस हो जाएगा, तो वो स्थितियां यहां बहुत हद तक बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। बस आपको जो सावधानी मैंने बताई है, अगर आप उसको रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये राहु आपको बहुत अच्छा परिणाम देगा। उसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है, ये तो राशि से है कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति कहाँ है। साथ ही साथ क्योंकि आपकी राशि से दूसरे घर में ये आए हैं, तो वृषभ राशि में आए हैं, तो वृषभ यानी शुक्र को भी कुंडली में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शुक्र दूषित हो रहा है तो आप बहुत ज्यादा विलासी भी हो जाएंगे, भोग कार्यों में पड़ जाएंगे, धूम्रपान में, सिगरेट में, शराब में, इन चीजों में आप अपना पैसा लगा देंगे। कभी कभी ऐसे लोग अधिक धन प्राप्ति के लिए, ये अचानक धन प्राप्ति के लिए जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट में भी अपना हाथ आजमाते हैं, तो उसके लिए कुंडली का ओवरऑल देखना भी बहुत जरूरी है। अकेले इस राहु से आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये था मेष राशि वालों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है इस राहु से। अब बात करेंगे वृषभ राशि से। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है और राहु उसी में आ गए हैं, यानी राशि के ऊपर, यानी चंद्रमा के ऊपर जब राहु आ जाए, और चंद्रमा तो यहां उच्च के होते हैं, यानी आपकी राशि वृषभ राशि, उसमें ऊपर आ गए राहु शुक्र की राशि में, तो आपको विलासिता सूझेगी, मौज मस्ती आपको सूझेगी, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण आएगा, और इसी आकर्षण से आपको बचना होगा, क्योंकि ये स्थिति अगर ऐसी रही तो आपका, आपके परिवार वालों से और आपकी पत्नी से, या जो साथ में आपके जीवन जी रही हैं या जी रहे हैं, यानी पति या पत्नी, उनसे मनमुटाव और खटास की स्थिति भी रहेगी। जब राहु का लग्न के ऊपर यानी राशि के ऊपर प्रभाव होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में उद्दंडता लाता है, जल्दबाजी लाता है, व्यक्ति हठी स्वभाव का हो जाता है, व्यक्ति अपनी मनमानी करना चाहता है, वो चाहता है जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है, तो इन चीजों से भी आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि ये वृषभ राशि अर्थ त्रिकोण राशि है। पैसे के लिए ठीक है, प्रोफेशन के लिए ठीक है, आपको काम धंधा भी देगी, आपकी बुद्धि को तीव्र बनाएगी, आप जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से संबंधित कार्यों में भी अगर हाथ आजमाएंगे तो भी आपको इन चीजों से फायदा अवश्य मिल जाएगा। कुछ धार्मिक कृत्य, धार्मिक यात्राएं, धार्मिक कार्य भी आपको इस दौरान अवश्य करने के लिए मिलेंगे। थोड़ा सा चरित्र के प्रति सावधानी अवश्य रखें, गलत संगत वाले लोगों से बचें, भ्रमित होने से बचें, अपना डिसीजंस बहुत कूल माइंड होकर अगर आप लेंगे तो ये राहु आपको बहुत अधिक और अच्छा धन देने में सक्षम होगा, क्योंकि ये एक अर्थ त्रिकोण राशि है और पैसे देने वाली राशि है। इसका मतलब कहते हैं ग्रह उच्च के फल देगा आपको, इसमें कोई संदेह नहीं है, बस इसके स्वभाव पे ना जाके, यानी अपनी मति को भ्रमित नहीं करना है, जिस टारगेट पे चल रहे हो उस टारगेट पे आपको लंबे समय तक चलना है तो ही आप इसमें अच्छा और सफलता हासिल कर पाएंगे, नहीं तो ये सब चीजें बिल्कुल आपके नेगेटिव हो जाएंगी। जहां आपने अपने आचरण को गंदा करा, जहां आपने अपनी सोच को गलत करा, आप भ्रमित हुए, वहीं आप अपने टारगेट से भटक जाएंगे, और टारगेट से भटकते ही आप अपने जीवन में प्रॉब्लम्स ले आएंगे।
तो राहु का ये गोचर ओवरऑल आपके लिए बहुत सुंदर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिन चीजों से मैंने बताया है, क्योंकि ये प्लेनेट स्वभाव से अशुभ है, इसके अंदर सब कुछ है, स्वभाव से अशुभ है तो आपके अंदर अशुभता डालेगा, आपको उस चीज से बचना भी होगा। साथ ही साथ राहु ये शुक्र की राशि में आए हैं, कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है उसको भी देखें, साथ ही साथ कुंडली में राहु की स्थिति क्या है उसको भी देखेंगे, तो कुल मिलाकर फल आपको उसका पता लग जाएगा। तो ओवरऑल राहु का ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए ये स्थिति कैसी रहेगी। मिथुन राशि बुध देव की राशि है और वायु तत्व राशि है। आपकी राशि से द्वादश में राहु आ रहे हैं। राहु मित्र की राशि में है और मिथुन राशि के मित्र ही कहूंगा मैं राहु को, क्योंकि शुक्र की राशि में मित्र की राशि और बुध भी इनके लिए कोई खराब नहीं है, लेकिन ये आपकी राशि से द्वादश में आए। जब ग्रह अपनी राशि से द्वादश में आ रहा है तो आपको अपने खर्चों पर संयम रखना होगा। अकस्मात आने वाले खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। आप किसी गलत आदत या गलत संगत का शिकार हो सकते हैं जिसके कारण आप फिजूल खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐशो आराम का भाव भी है। राशि से 12वें में विलासी ग्रह जब राहु पहुंचे तो व्यक्ति का दिमाग ऐशो आराम की तरफ जाता है, व्यक्ति गलत संगत गलत कार्यों में पैसा खर्च करने के लिए सोचता है या उसका दिमाग जाता है, जैसे वैश्यवृत्ति में चला गया या विपरीत लिंग के प्रति उसका आकर्षण बढ़ गया, भोग विलास पर ध्यान चला गया, धूम्रपान स्मोकिंग गुटखा शराब चरस गांजा आदि चीजों में ऐसे लोगों का ऐसे ट्रांजिट में यानी ऐसे गोचर में ध्यान भटकते देखा गया है। यानी ये अब आपकी राशि से 12th में है, ये बेडरूम का भी हाउस है, इसका मतलब आपको ये बेडरूम अतिरिक्त बेडरूम के प्रति आकर्षित कर रहा है, तो थोड़ा सा उसके प्रति बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान झटका हो जाएगा। जब राहु द्वादश में पहुंचे तो किसी झगड़े झंझट से सावधान रहना है, नहीं तो आपको जेल भी पहुंचा सकता है ये, कुछ समय के लिए एक दो दिन के लिए हवालात भेज सकता है, बीमारी के कारण खर्चा करा सकता है, बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती कर सकता है। वहीं दूसरी जगह क्योंकि ये शुक्र की राशि में है तो मीडिया से संबंधित कार्य हैं उसमें फायदा पहुंचा देगा, जुए सट्टे लॉटरी आदि से आपको दूर रहना होगा, शेयर मार्केट से आपको दूर रहना होगा, हवाई यात्रा करा देगा, स्थान परिवर्तन कराएगा, दूर स्थानों पे ले जाएगा, दूर स्थानों के लोगों के साथ जोड़कर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्यों से जोड़कर आपको ये निश्चित लाभ देगा। लेकिन कुछ जो आदतें हैं जो गलत संगतें हैं जिनके बारे में मैंने बताया है उनसे आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, नहीं तो ये प्लेनेट आपको गर्त में धकेल सकता है। गर्त में धकेलने का मतलब है जितना कमाया उतना चला गया, गलत संगत में चला गया, गलत आदत से चला गया, स्वयं की गलतियों से आपने अपना नुकसान कर लिया, वैसा ये प्लेनेट यहां देखता है, क्योंकि ये स्वभाव में अशुभ है। जब ये स्वभाव में अशुभ है तो अपने जैसे गुण व्यक्ति के अंदर डालने का प्रयास ये करता है, और यदि उसकी मति भ्रम हो गई तो समझ लीजिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो इन चीजों से आपको सावधान रहना होगा। भले ही ये ग्रह आपकी राशि से द्वादश में उच्च चुका है, लेकिन है तो वो द्वादश में, तो 12वें से संबंधित कारकत्वों को वो अवश्य ग्रहण करेगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की यहाँ आवश्यकता रहेगी। चलिए बात करते हैं कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा स्वयं है, यानी चंद्रमा से ही गोचर देख रहे हैं और चंद्रमा राशि के मालिक भी है, उससे एकादश में आ रहे हैं राहु उच्चस्थ अवस्था में, यानी ये बहुत अच्छी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनकी राशि कर्क है। ऐसा कहा जाता है शास्त्र में, अलग अलग शास्त्र में एक बात कॉमन लिखी हुई है कि राशि से एकादश में अगर कोई अशुभ ग्रह आ जाए तो वह आपके लिए बेहतर होगा। आपकी राशि से एकादश यानी लाभ स्थान, इनकम का स्थान, आय प्राप्ति का स्थान, वृद्धि का स्थान, किसी चीज को बढ़ोतरी कराने का ये स्थान कहलाता है, यहां पर गया हुआ ग्रह आपके अपने कारकत्व में वृद्धि कर देता है। जब मैं कारकत्व की बात करता हूं, राशि से एकादश में शुक्र की राशि में आया है, तो यदि आप मीडिया के क्षेत्र में है, मास कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में है, कैमरे के क्षेत्र में है, वायु के क्षेत्र में है, शराब के क्षेत्र में है, जुए सट्टे लॉटरी शेयर मार्केट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत सुंदर योग है।
और ये प्लेनेट आपको यहां बैठकर अपने उच्च के फल देगा, यानी आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएगा तरह तरह के से। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी देता है, यानी एक दो तीन साधनों से आपको पैसा कमाने का मौका आगामी समय में मिलने वाला है। क्योंकि यहां पर जब ये ग्रह उच्च का हो जाए और वो भी शुक्र की राशि में, शुक्र अपने आप में एक प्रभावशाली ग्रह के व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि ये आचार्य हैं, और शुक्र से संबंधित जब ये कारकत्व अपने भीतर ग्रहण कर लेगा तो समझ लीजिए शुक्र मॉडलिंग है, फिल्म लाइन भी है, मूवीज हैं, टेलीकास्ट हैं, ये सब चीजें शुक्र से संबंधित आती हैं। तो यहां पर बैठा हुआ राहु आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा, नए नए आयाम देगा, पैसे से संबंधित तकलीफ आपको नहीं होने देगा, किसी ना किसी प्रकार से आपको फायदा देता ही रहेगा। ये राहु आपसे छोटी और बड़ी यात्राएं भी अवश्य कराएगा, छोटी बड़ी यात्राएं कराकर आपको ये राहु लाभ देगा। आप दूर के लोगों से जुड़कर भी, मित्रों के साथ, सहयोगों के साथ जुड़कर कोई काम करेंगे, उसमें आपको फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि तीव्र होने वाली है और उस तीव्र बुद्धि का फायदा आपको मिलेगा, यानी आप जो दिमाग लगाएंगे या जो योजना आप बनाने जा रहे हैं उन योजनाओं में आपको निश्चित ये ग्रह फायदा दे रहा है, क्योंकि ये आपकी इमोशंस को ढक लेगा, ये आपकी इच्छाओं को दबाएगा, और जब आप पे ये दोनों चीजें कंट्रोल हो जाएंगी तो फिर आपका दिमाग सिर्फ आपके कार्य में लगेगा, चाहे आप एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे अपना काम कर रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, ये आपको कहीं ना कहीं पदोन्नति, तरक्की और लाभ के नए नए अवसर खोलकर देगा। तो राहु जैसा एक ग्रह जिसको ये भी कहा जाता है कि ये अचानक से फायदा देने वाला प्लेनेट भी है, तो वो निश्चित आपको लाभ देगा, लेकिन ये स्वभाव से अशुभ है और कहीं ना कहीं इसका संबंध आपकी बुद्धि से भी है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना होगा, जरूरत से ज्यादा लाभ प्राप्ति के चक्कर में आप अपना नुकसान ना कर लें, ऐसा यहां बहुत हद तक देखा गया है। तो थोड़ा सा सावधानी की आपको जरूरत है, नहीं तो आप अपने जीवन में अधिक परेशान हो जाएंगे। कहते हैं सब कुछ अच्छा होते हुए भी, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास आ गया, लेकिन फिर मेरी बुद्धि विचलित हो गई, बुद्धि भ्रमित हो गई और मैंने अपना नुकसान यहां कर लिया। तो थोड़ा सा यहां सावधानी की आपको जरूरत है। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन, ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों से कर्म भाव में राहु आ रहा है, एक अशुभ ग्रह है जो कि स्वभाव से अशुभ है। जब वो आपकी राशि से कर्म भाव में आता है तो ये तो आप पक्का मान लीजिए कि अशुभ ग्रह जब आपके कर्म स्थान में आया तो कहीं ना कहीं आपको प्रोफेशनल लाइफ में परेशान तो ये करेगा, लेकिन ये परेशान होने की स्थिति बहुत हद तक कम है, क्योंकि एक तो ये मित्र की राशि में आया, दूसरा ये उच्च का हो गया, तो ये सिर्फ स्वभाव से परेशान करेगा। स्वभाव से परेशान, बिना बात की आफत आपके पास आ रही है, प्रोफेशनल लाइफ में बिना बात के झंझट आपके ऊपर आ रहे हैं, आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ा दिया, सैलरी बढ़ रही है, काम मिल रहा है, लेकिन आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ा दिया किसी प्रकार का, जिससे आपको टेंशन हो रही है। तो कर्म क्षेत्र में राहु आ रहा है, प्रोफेशनली तरक्की दे रहा है, आप नए नए लोगों के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई स्थान परिवर्तन करके आप काम करने की सोच रहे हैं तो भी वो आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। साथ ही साथ ये पोजीशन क्योंकि कर्म को प्रभावित कर रही है, तो यहां वाणी के आधार पर कर्म हो रहा है, आपकी वाणी आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा रही है, आपकी वाणी आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की कर रही है, आप लोगों के साथ जुड़कर कम्युनिकेशंस के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जुड़कर तरक्की प्राप्त कर रहे हैं। आप ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो कमीशन से संबंधित हो, या किसी एक तरीके से स्पाई, आप जासूसी से संबंधित जो कार्य हैं उनमें भी ये आप काम कर सकते हैं, क्योंकि राहु इसका बहुत बड़ा कारक है और राहु कर्म भाव में बैठा है तो ऐसे ही कर्म कराएगा। आपका दिमाग काम करेगा कि मैं जुए में, सट्टे में, लॉटरी में पैसा लगा लूं, उसमें पैसा लगा लूं, कहीं हद तक ये आपको फायदा दे देगा, लेकिन इसमें आपको स्वयं का जो ओरिजिनल कर्म है वो नहीं छोड़ना। ये साइड बिजनेस है, आप अपनी नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन साइड बाय साइड आप ये छोटे छोटे काम, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, टिकट खरीद लिया, म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए, शेयर में पैसे लगा दिए, तो आपको यहाँ लाभ मिल जाएगा। अब कर्म में कहीं ना कहीं आपका दैनिक जीवन का कर्म भी काम आता है,
और दैनिक जीवन के क्रम में आप गलत संगत से बचिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ठोक बैठा के काम करना, क्योंकि ये धूम्र है, धुआं है, ग्रहण है, यानी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा शायद होगा नहीं। तो इसलिए बहुत ठोक बजाकर अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ स्थितियों को ग्रहण करना होगा। शत्रुओं पर कहीं ना कहीं आप यहाँ हावी रहेंगे, शत्रु पक्ष आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन ये स्थिति है कि मैंने स्वयं अपनी गलतियों के कारण, आवेश में आके, जिद के कारण या अडिगता के कारण मैंने किसी की सुनी नहीं और मैंने अपने प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान कर लिया, वैसा ही ये प्लेनेट यहाँ कह रहा है। तो थोड़ा सा आपको इन चीजों से सावधान रहना होगा, बाकी ओवरऑल ये प्लेनेट आपको तरक्की देगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राशि से दशम का राहु प्रोफेशनली प्रॉब्लम देता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये कर्म स्थान है और कर्म स्थान में आया राहु तकलीफ तो देता है, लेकिन तकलीफ के साथ आपको यहाँ लाभ मिलेगा यदि आप थोड़ा सा अपने ऊपर संयम रखेंगे, तभी आपको ये कॉम्बिनेशंस अपने मित्र की राशि के अच्छे फल देगा, अपनी उच्चस्थ होने की राशि के अच्छे फल अवश्य प्रदान करेगा। अब हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए। कन्या राशि बुध की उच्चस्थ राशि, बुध की स्वग्रही राशि, बुध की मूल त्रिकोण राशि, यानी ये वो राशि है जो बहुत अच्छी बौद्धिक जीवी राशि है, अच्छी बुद्धिमता रखती है, अच्छी सोच रखती है। और सबसे अच्छी बात कन्या राशि वालों के लिए होती है कि ये बहुत मेहनती होते हैं, मेहनत करने में पीछे नहीं होते। कोई भी ग्रह का गोचर कैसा भी आ जाए उससे ये डगमगाते नहीं है, इनके अंदर सबसे अच्छी बात है। अब आपकी राशि से नवम में आ गया राहु, एक अर्ध त्रिकोण राशि है आपकी, और अर्ध त्रिकोण राशि के भाग्य स्थान में उच्च का राहु है, यानी भाग्य चमकेगा अवश्य, इसमें कोई संदेह नहीं। आप अपनी मेहनत से, अपने साहस से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य को चमकाने वाले हैं आने वाले समय में। धार्मिक कृत्य करेंगे, धार्मिक कार्य करेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, दूर के लोगों से जुड़कर, फॉरेन ट्रेवल्स करके, विदेशी लोगों से जुड़कर, या बाहर के लोग या अन्य लोगों के साथ जुड़कर आपको फायदा होने वाला है। टूर से, ट्रेवलिंग से, यात्राओं से, विदेशों से जुड़कर, या इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कम्युनिकेशंस के माध्यम से जुड़कर आप लोगों से यहाँ फायदा अवश्य लेंगे। चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आपका अपना कोई काम हो, ये कॉम्बिनेशन आपको फायदा देगा। ये कॉम्बिनेशन आपको हायर एजुकेशन देने में भी सक्षम है। आपकी कोई एजुकेशन अटकी हुई है, पूर्ति नहीं हो रही है, तो निश्चित पूर्ति करेगा, और पूर्ति करते ही आपके भाग्य को भी जगाएगा। कभी कभी ये कॉम्बिनेशन घर से बहुत दूर ले जाता है, यानी आपको कोई काम करने का अवसर या जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत दूर से मिलने वाली है, या इसको कह सकते हैं दूर से मिलने का मतलब है विदेश से भी सक्षम है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की जो बुद्धि है जरूरत से ज्यादा तेज काम भी करती है, क्योंकि ये दोनों ही अर्ध त्रिकोणी राशि है, व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ पैसा पैसा घूमता है। वो चाहता है मैं कैसे भी दिमाग लगाऊं, कैसी बुद्धि लगाऊं, लेकिन पैसा ले लूं, क्योंकि इसका पंचम से भी कनेक्शन है और लग्न से भी, आपकी राशि से भी कनेक्शन है और भाग्य से भी है। इसका मतलब लक्ष्मी त्रिकोणों से कनेक्शन है, लक्ष्मी तो अवश्य आएगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जुए से, सट्टे से, लॉटरी से आप पैसा कमाएंगे, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा, आप छोटे छोटे शेयरों में टुकड़े टुकड़े कर पैसा लगाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा, यानी डेली इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा कि मैं डेली इन्वेस्टमेंट करके अपने भाग्य को धीरे 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 करके पुश कर रहा हूं। लेकिन याद रहे, जरूरत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल, जरूरत से ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको आर्थिक नुकसान की तरफ ले जा सकता है, यानी पैसा बहुत कमाया और एक झटके में गवा दिया, ऐसा भी इस राहु के ट्रांजिट के कारण देखा जा रहा है। किसी गुरु से संबंधित दीक्षा, गुरु से संबंधित शिक्षा ग्रहण करना, कोई धार्मिक पूजा पाठ से संबंधित पढ़ाई करना, ज्योतिष सीखना, कर्म कांड सीखना आदि भी ऐसे लोगों के साथ देखा गया है। साथ ही साथ व्यक्ति का जो रुझान है वो विदेश से जुड़े हुए कार्यकलाप, कि उस विदेश में ये हो रहा है, उस विदेश में ये पढ़ाई है, इस मीडिया से मैं ये वाली जुड़कर ये पढ़ाई कर सकता हूँ, इस कंप्यूटर से जुड़कर या इंटरनेट के माध्यम से मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, ऐसा भी यहाँ देखा गया है। तो ओवरऑल जब जब राहु का ट्रांजिट राशि से नवम में होता है, क्योंकि ये पाप ग्रह है, तो आपको पाप कर्मों से बचना होगा, नहीं तो आपके ऊपर श्राप लग जाएगा, क्योंकि ये आपकी राशि से धर्म स्थान भी है और धर्म स्थान में बैठा हुआ राहु
किसी भी प्रकार के किए गए गलत कृत्यों को पाप के रूप में, श्राप के रूप में बदल देगा। और जब वो श्राप के रूप में बदल देगा तो आपको बहुत बुरे खामियाजा भुगतने पड़ेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार की गलत आदत, व्यवसाय के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में बैठकर शराब पीना, धूम्रपान करना, वेश्यावृत्ति करना आदि, ये कार्य आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होंगे। और यदि एक बार ये शराब आपको इस कार्यकाल में लग गया तो आपके साथ साथ आपकी संतान के लिए भी बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हो जाएगा। तो कन्या राशि वालों को इसका बहुत अधिक ध्यान देना होगा। तो ये था मेष राशि से लेकर कन्या राशि वालों के लिए राहु का जो ट्रांजिट है किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है, उसके बारे में मैंने आज को बताया है कि राहु कैसा है, राहु के क्या कारकत्व हैं, राहु क्या व्यवसाय करता है और किन राशि वालों के लिए कैसा है, उसका क्या प्रभाव है और उसमें क्या बचने की बातें हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अगले भाग में मैं आपको बताने वाला हूं कि तुला राशि से लेकर मीन राशि वालों के लिए राहु का ये ट्रांजिट किस प्रकार के परिणाम देने जा रहा है। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ, अगले एपिसोड में मैं आपको फिर से नई जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार।